हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो आज की इस वीडियो में हम करेंगे टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री इसके अंदर है वॉल्यूम्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स को एक से दूसरी फॉर्म में रिकास्ट करवा के फिर उनकी वॉल्यूम्स के बारे में चर्चा होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक्स फेयर ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर इज़ मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इन टू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है जिसकी ये रेडियस है इसको हमने मान लिया आर ये है 4.2 सेंटीमीटर इसको मेल्ट करवा के रिकास्ट कर दिया इसको सिलेंडर की फॉर्म में बना दिया तो उस सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है सिक्स सेंटीमीटर है इसकी रेडियस को हमने ले लिया आर है फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर अब जब इस इस्पेयर से इस सिलेंडर को बना दिया तो इसकी रेडियस तो हमें गिवन है हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो जब ये स्फियर से इस सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसके अंदर कौन सी से चीज़ सेम रहेगी सेम होगी इनके अंदर इनकी वॉल्यूम सेम होगी क्योंकि जो मटेरियल इसको बनाने में लगा उतना ही मटेरियल इसको बनाने में लगेगा सो so, इनकी वॉल्यूम को इक्वल करवा देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी यहाँ से रेडियस ऑफ जो हमें गिवन है वो लिख रहे हैं रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज़ इक्वल विच इज़ आर इक्वल टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की रेडियस क्या है कैपिटल आर कितनी है सिक्स सेंटीमीटर है फाइंड क्या करना है फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है सो so, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई आर क्या है स्फीयर का स्मॉल आर सो आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्केयर एच पाई इसका है आर कैपिटल आर सो पाई आर स्केयर एच यहाँ पर दोनों साइड क्या है इस साइड भी पाई है इस साइड भी पाई है तो पाई से पाई हो गया कैंसिल तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू फोर बाई थ्री आर आर कितना है यहाँ पे फोर पॉइंट टू का क्यूब है इज इक्वल टू इसका आर कितना है सिक्स ये हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर इंटू में एच अब इसको सोल्व करवा के यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी इस सिक्स केयर ये जो सिक्स स्केयर है ये साइड आके आप में आ जाएगा फिर इसका कैलकुलेशन करवा के जो सॉल्यूशन आएगा वही इस सिलेंडर की हाइट होगी सो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका खुद का है कैलकुलेशन आप खुद करना मेन होता है कॉन्सेप्ट को समझना वो मैंने आपको बता दिया है सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट नेक्स्ट है पॉइंट थ्री का सेकेंड क्वेश्चन मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर तीन स्फीयर है जिनकी रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर इन तीनों को मेल्ट करवा के एक बड़ा सा सिंगल स्फीयर बना दिया फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर अब इन तीनों की रेडियस इन तीनों की रेडियस तो गिवन है इसकी रेडियस फ़ाइंड आउट करनी है सो so फर्स्ट की रेडियस मान ली हमने आर वन ये कितनी है सिक्स सेंटीमीटर इसकी रेडियस है आर टू इसकी रेडियस है एट सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस ले ली हमने आर थ्री इसकी रेडियस है टेन सेंटीमीटर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी इस फेयर की इसकी फेयर इस फेयर की रेडियस को हमने ले लिया आर सो इनकी क्या चीज़ सेम रहेगी इनकी भी जब तीनों की वॉल्यूम को ऐड करवा देंगे तो वो इस बड़े स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर वो किसके इक्वल आ जाएगी वो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू प्लस वॉल्यूम ऑफ फर थ्री इन तीनों ये वन हो गया ये टू ये थ्री मतलब इन तीनों स्पेयर की वॉल्यूम को एड करवा दिया वो इस फेयर के वालीम का इक्वल आ जाएगा सो so, इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फियर फर्स्ट की आएगी फोर बाई थ्री पाई आर वन का क्यूब प्लस में सेकेंड की क्या आएगी फोर बाई थ्री पाई आर टू का क्यूब प्लस में थर्ड की क्या वॉल्यूम आएगी फोर बाई थ्री पाई आर थ्री का क्यूब अब यहाँ से देखिए फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री फाई इन चारों में कॉमन है सो ये तो हो जाएंगे कैंसिल यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आर क्यूब की वैल्यू इक्वल आ गई आर वन क्यूब प्लस में आर टू का क्यूब प्लस में आर थ्री का क्यूब अब आर क्यूब इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू क्या है सिक्स सेंटीमीटर सो सिक्स का क्यूब प्लस में आर टू क्या है एट सेंटीमीटर सो एट का क्यूब प्लस में आर थ्री क्या है टेन ये हो जाएगा टेन का क्यूब सिक्स का क्यूब दो सौ सोलह एट का क्यूब पाँच सौ बारह प्लस में टेन का क्यूब हज़ार इनको ऐड करवाया तो ये वैल्यू आ गई सत्रह सौ अट्ठाईस अब ये सत्रह सौ अट्ठाइस है ये किसके इक्वल आ गया आर क्यूब के इक्वल अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आर की सो so, इस क्यूब को हटाने के लिए यहाँ लगा देंगे क्यूब रूट अगर यहाँ स्केयर होता तो स्केयर रूट लगाते सो यहाँ क्यूब रूट तो इस साइड लग जाएगा क्यूब रूट अब ये जो सत्रह सौ अट्ठाईस है ये होता है बारह का क्यूब सो so, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व सेंटीमीटर उस स्फीयर की रेडियस आ गई जो इन तीनों को मिला के बना है सो so, ये हो गया यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री का फोर्थ क्वेश्चन ए वेल ऑफ डायमीटर थ्री मीटर इज डग एक इस तरह से कुआ खोदा गया जिसकी जिसका डायमीटर थ्री मीटर है एंड फोर्टीन मीटर डीप और ये इसकी जो हाइट दी हुई है मतलब ये जो गहरा है इसकी गहराई है फोर्टीन मीटर द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इसकी जब इसको खोदा गया तो इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी जो अर्थ निकलेगी उसको इसके चारों ओर स्प्रेड कर दिया इन दी शेप ऑफ एन सर्कुलर रिंग ये किसके फॉर्म में कर दिया एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में मतलब इस तरीके से इसके बाहर लगा दिया ऑफ विर्थ फोर मीटर टू फॉर्म एन एम्बेकमेंट इसके जो विर्थ दिए इन्होंने ये दिए फोर मीटर मतलब इस तरह इसके बाहर से एक चबूतरा बना दिया ये बन गया इस शेप के अंदर इस वेल के चारों ओर इस तरीके से बना दिया इसको फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बेकमेंट जो इस ये जो एम्बेकमेंट बनाया है, ये चबूतरा इस तरीके से बनाया है इसके हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट के लिए क्या होगा जितनी मिट्टी इस गड्ढे के अंदर थी वो बाहर निकाली है। मतलब इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम थी वो इस चबूतरे की वॉल्यूम के इक्वल करवानी है तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी देखिए ये एक सिलेंडर की फॉर्म में नहीं बन गया इस तरीके से ये इस फॉर्म के अंदर है So, ये इस तरीके से रिंग बन गई सर सिलेंडर की सो so, इसकी रेडियस तो हमें पता है अभी ये है थ्री बाई टू सेंटीमीटर सॉरी मीटर और इसके अंदर ये फोर मीटर और ऐड करवा देंगे तो इस बाहर वाली रिंग की जो है रेडियस आ जाएगी और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस करवा देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी इस रिंग की जो इसके चारों ओर है इस रिंग की वॉल्यूम आ जाएगी इस प्रकार से हमें इसी इसकी तो वॉल्यूम निकालनी है जो ये बाहर बन रहा है इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है इसके अंदर से हम क्या करेंगे जो इतनी इतनी अंदर की जो वॉल्यूम होगी वो माइनस करवा देंगे और इसकी जब वॉल्यूम निकल जाएगी इसको फिर इस पूरे वेल की वॉल्यूम के इक्वल करवा देंगे सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वॉल्यूम सॉरी सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेल वो किसके इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ एम वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी पाई हमने इसकी रेडियस को मान लिया आर आर कितना है थ्री बाई टू मीटर क्योंकि डायमीटर था थ्री तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी सो पाई आर का स्केयर पाई आर स्केयर इंटू में इसकी हाइट है कैपिटल एच वो वॉल्यूम ऑफ इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम से बस इतने इतने सिलेंडर को देखेंगे इसमें से अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस करवाएँगे तो वो किसके इक्वल आएगा पाई बाहर वाले सिलेंडर की हमने रेडियस ले ली यहाँ से यहाँ तक की पूरी हमने ले ली रेडियस आर सो so ये क्या आ जाएगी आर का स्केयर इंटू में इसकी हाइट कितनी है एच माइनस पाई इंटू इसकी रेडियस क्या थी हमारी इसकी आई थी ये स्मॉल आर सो पाई आर स्केयर एच यहाँ से देखिए दोनों साइड हमें क्या दिख रहा है पाई इन तीनों टर्म्स में पाई है सो so, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया वैल्यू क्या आएगी गई आर स्केयर एच इज इक्वल टू कैपिटल आर स्केयर स्मॉल एच माइनस स्मॉल आर स्केयर स्मॉल एच यहाँ से इस आर की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू से ये आ जाएगा थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू में हाइट कितनी है इसकी फोर्टीन इज इक्वल टू इस कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आर प्लस में फोर सो so ये आर कितना है थ्री बाई टू ये है प्लस में फोर तो so इसकी वैल्यू आ जाएगी इलेवन बाय टू मीटर सो ये आर स्केर क्या हो जाएगा इलेवन बाय टू इंटू इलेवन बाय टू और इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है माइनस ये आर क्या है स्मॉल आर सो थ्री बाई टू इंटू में थ्री बाई टू इन टू में एच यहाँ से देखिए इसके फोन में क्या आ गया फोर तो ये आ गया थ्री इंटू थ्री इंटू में फोरटीन बाय में फोर ये यह यहाँ पे इन दोनों में है. क्या कॉमन है एच भी कॉमन और नीचे ये फोर भी कॉमन है तो एच बाय फोर बाहर ले लिया अंदर क्या रह गया इलेवन का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर यहाँ से इस फोर से ये फोर कैंसिल हो गया तो इसको सॉल्व करवा के जो एच की वैल्यू आएगी वही इस ये जो बाहर इसके चबूतरा बना है इसकी वॉल्यूम सॉरी इसकी हाइट निकलेगी सो so, ये कैलकुलेशन आप खुद से करवा लेना इसके बाद जो वैल्यू आए वही इसकी हाइट होगी सो so, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक कंटेनर शेप लाइक के राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जो कि इसका डायमीटर है वो 12 ट्वेल्व सेंटीमीटर तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी ट्वेल्व बाई टू सिक्स सेंटीमीटर इतना तो हमने साथ ही साथ निकाल लिया एंड हाइट फिफ्टीन सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है एच वो कितनी दी हुई है फिफ्टीन सेंटीमीटर ये सिलेंडर पूरा आइसक्रीम से भर बर, भरा हुआ है द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन टू कॉन्स ऑफ हाइट ट्वेल्व सेंटीमीटर अब इस के अंदर जो आइसक्रीम है वो कॉन्स के अंदर फिल की गई है तो इस कोन की जो हाइट दी है वो हमने ले ली स्मॉल एच है और वो कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड डायमीटर सिक्स सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है वो सिक्स सेंटीमीटर है सो so इसकी रेडियस क्या आ जाएगी डायरेक्ट रेडियस लिख देते हैं सिक्स बाई टू यानी थ्री सेंटीमीटर आगे क्या कहा हैविंग ए हेमिसफेरिकल शेप ऑन द टॉप इस जो ये कौन था इसके ऊपर हेमिसफेरिकल टॉप भी है इस तरीके से ये आइसक्रीम इन कॉन्स के अंदर फ़िल की जाती है फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इसके अंदर जो आइसक्रीम थी इस आइसक्रीम से इस तरह के कितने कॉन्स फिल हो सकते हैं इनके नंबर हमें फाइंड आउट करके बताना है हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ कॉन्स बी एन हमने इनको मान लिया भी एन कौनस इस आइसक्रीम से फिल कर दिए हमने तो ये कैसे निकलेंगे जो इसकी वॉल्यूम होगी वो एन कॉन्स की वॉल्यूम के इक्वल आएगी सो so, लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो किसके आ गई वॉल्यूम ऑफ एन कौनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी पाई इसकी रेडियस क्या थी कैपिटल आर सो कैपिटल आर और कैपिटल एच कैपिटल आर स्केर एच यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन कौन की वॉल्यूम क्या आएगी एक तो इसमें स्फीयर हैमी है प्लस में इसमें एक कॉन है तो इन दोनों की वॉल्यूम ऐड करवाएंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इन टू में हेमिसफेयर की वॉल्यूम क्या आएगी टू बाई थ्री पाई आर क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आएगी वन बाई थ्री पाई आर स्कीयर एच यहाँ से देखिए पाई से ये तीनों पाई हो गए कैंसिल तो वैल्यू क्या आएगी इस आर की वैल्यू क्या है वो है सिक्स सो सिक्स का स्केयर इंटू में इसकी हाइट है फिफ्टीन इज इक्वल टू एन इंटू में टू बाई थ्री यहाँ हम आर स्केयर कोमल ले लेंगे तो यहाँ क्या वन बाई थ्री ले लें वन बाई थ्री आर स्केयर हमने कोमल ले लिया तो यहाँ क्या रह गया टू आर प्लस में एच तो ये वैल्यू आ जाएगी एन इंटू वन बाई थ्री ये आर कितना है इसकी वैल्यू है थ्री तो ये हो जाएगा थ्री का स्केयर इंटू में थ्री इंटू टू सिक्स प्लस में इसकी हाइट कितनी है ट्वेल्व इस थ्री से ये थ्री की वैल्यू कैंसिल तो इस साइड क्या गया एन ए एन इंटू में थ्री इंटू में ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन और दूसरी साइड क्या है सिक्स का स्क्वायर इंटू में फिफ्टीन इसको जब सोल्व करवाएंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी टेन सो टेन कौनस है वो इस आइस इस सिलेंडर वाली आइसक्रीम से हम इन कौनस के अंदर फिल कर सकते हैं एन की वैल्यू आ गई टेन सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री का एट्थ क्वेश्चन वाटर इन कैनाल सिक्स मीटर वाइड ये कि यहाँ पे नहर दी गई है जिसकी जो विथ है वो है सिक्स मीटर हमने इस तरीके से मान ली एक कोई नहर है जिसकी ये चौड़ाई हमें सिक्स मीटर दी हुई है एंड वन पॉइंट फाइव मीटर डीप और जो इसकी ये डीपनेस है जो इसकी हाइट है वो हमें दे दी वन पॉइंट फाइव मीटर इज़ फ्लोविंग विद द स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर अब इसके अंदर जो पानी चल रहा है वो टेन किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन थर्टी मिनट्स अब ये बताना है भी ये जो पानी है ये कितने एरिया को इरीगेट कर देगा थर्टी मिनट के अंदर इफ एट सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड हमें इस एरिया के अंदर एट सेंटीमीटर जो है मतलब इसकी हाइट चाहिए पानी की इस एरिया के अंदर एट सेंटीमीटर तो इसकी हाइट को हमने ले लिया एट सेंटीमीटर इसको अगर मीटर में चेंज करवाएंगे तो जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर इतनी हाइट चाहिए हमें पानी की इस एरिया के अंदर कब चाहिए थर्टी मिनट के अंदर तो देखिए ये किस प्रकार से होगा जो पानी थर्टी मिनट तक इस नहर का हो इस नहर में होगा वही इस खेत में आएगा सो so, इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल करवानी है अब इसकी वॉल्यूम कैसे इक्वल होगी जो ये नीचे का एरिया है एरिया इंटू में इसकी हाइट ये करवा देंगे तो इसकी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए अगर हम इसको देखें तो ये क्यूबोड की फॉर्म के अंदर है सो so यहाँ इसकी जो ये है ब्रेथ हमें गिवन है सिक्स मीटर इसकी हाइट हमें गिवन है वन पॉइंट फाइव मीटर अब हमें इसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ लेंथ आ जाए तो एल इंटू बी इंटू एच करके इसकी वॉल्यूम भी आ जाएगी तो इसकी लेंथ कैसे आएगी देखिए ये साठ मिनट के अंदर टेन किलोमीटर तक है तो ये थर्टी मिनट के अंदर कितनी दूर होगी लिख लेते हैं सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट में वो कितनी फ्लो करती है टेन किलोमीटर तो ये थर्टी मिनट में कितनी करेगी ये सिक्सटी का आधा हो गया थर्टी सो so, जो डिस्टेंस आएगी वो इस टेन की हाफ हो जाएगी यानी कि फाइव किलोमीटर ये आ गई इस कैनाल की लेंथ सो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई फाइव किलोमीटर अब ये देखिए ये किलोमीटर में है ये मीटर ये मीटर ये भी हमने मीटर में चेंज करवा लिया तो इस लेंथ को जब हम मीटर में चेंज करवाएंगे तो ये लेंथ क्या आ जाएगी फाइव थाउजेंड मीटर ये आ गई इसकी लेंथ अब इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल करवा देंगे तो इसकी जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा सो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इरीगेटेड एरिया इरीगेटेड एरिया इसकी वॉल्यूम क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज़ इक्वल टू इसकी क्या होगी एरिया इंटू में हाइट सो इसकी लेंथ कितनी है फाइव थाउजेंड इंटू में इसकी ब्रेथ कितनी है सिक्स मीटर इंटू में इसकी हाइट है वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू एरिया इंटू में इसकी हाइट कितनी है जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर अब इस एट सॉरी इस मीटर को तो एक बार हटा देते इस जीरो पॉइंट जीरो एट को इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा सो यहाँ लिख दिया जीरो पॉइंट जीरो एट तो ये हो गया एरिया ये एरिया ही तो हमें फाइंड आउट करना था भी ये थर्टी मिनट के अंदर कितने एरिया को एरीगेट करेगी सो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप एरिया खुद से निकाल लेना कैलकुलेशन क्यों नहीं करवा रही क्योंकि कैलकुलेशन से ज़्यादा मैंने इतनी बार बता दिया कि कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा आंसर तो हमें बुक के पीछे भी गिवन है सो so वहाँ से देख के भी हम रट सकते हैं बट हमें इसको समझना ज़रूरी था भी ये आया कैसे कैलकुलेशन तो आप खुद करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा नेक्स्ट है एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर एक फार्मर है वो एक पाइप को एक कनेक्ट फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड एक फार्मर है वो इस पाइप को ये एक पाइप है जिसका हमें डायमीटर गिवन है कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो हमने इसकी रेडियस को ले लिया टेन सेंटीमीटर इस पाइप को वो कनेक्ट कर रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक से टैंक में टैंक को भरने के लिए कैनाल से इसने इसको वो करवा दिया कनेक्ट करवा दिया विच इज़ टेन मीटर इन डायमीटर अब ये आगे जो बात है ये इस सिलेंडर के बारे में है इसका जो डायमीटर है ये है टेन मीटर तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी फाइव मीटर एंड टू मीटर डीप सो so इसकी हाइट कितनी आएगी टू मीटर आएगी ये यहाँ ये कहा है भी ये कोई कैनल जा रही है इसके अंदर से ये जो पाइप है इसको कनेक्ट करके इस टैंक को भरने के लिए इस पाइप को इस कैनल से कनेक्ट करवा दिया और दूसरा इस साइड इस टैंक से कनेक्ट करवा दिया इफ़ वाटर फ्लोज थ्रो द पाइप एट द रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर अभी ये जो पाइप है इसके अंदर से जो पानी फ्लो हो रहा है वो हो रहा है थ्री किलोमीटर पर आर इस स्पीड से इन हाउ मच टाइम विल द टैंक टू बी फिल्ड अब ये बताना है भी ये जो पानी इस नहर के अंदर है ये इस पाइप के थ्रू यहाँ इस टैंक में आ रहा है इस पानी ने आके इस टैंक को फिल कर दिया तो ये बताना है इस टैंक को भरने के अंदर भरने के लिए कितना टाइम लग गया सो so, सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे इस टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे भी ये इस टैंक के अंदर पानी कितना आ सकता है तो जितना इसके अंदर पानी आएगा वही पानी तो ये पाइप यहाँ इसको सप्लाई करेगी तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ दी टैंक इसकी वॉल्यूम क्या आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल जो है पाई और इसकी रेडियस क्या ली हमने कैपिटल आर कै, पाई आर स्केयर एच ये आ जाएगी अब हमें टाइम बताना है तो इसके लिए हमने मान लिया भी ये जो टैंक है ये टी टाइम में फिल हुआ है लेट द टाइम इन विच द टैंक फील्ड इज टी हमने टी मान लिया तो ये टी टाइम के अंदर ये फिल हुआ है तो देखिए इसकी स्पीड कितनी है थ्री किलोमीटर पर आवर मतलब कि इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो थ्री थाउजेंड मीटर पर आवर ये एक घंटे के अंदर थ्री थाउजेंड मीटर चल रहा है तो टी टाइम के अंदर हमें नहीं पता नहीं यह कितना चलेगा तो ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है टेन सेंटीमीटर यानी पॉइंट वन मीटर है और इसकी जो हाइट है हाइट को हमने मान लिया एच यानी कि ये तीन किलोमीटर इन टू टाइम करेंगे वो हमें नहीं पता कि कितना आएगा सो हमने इसकी हाइट को ले लिया एच तो ये भरने के अंदर के क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आरस के रच आ गई तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोविंग वाटर फ्लोविंग through the pipe in time t टाइम टी के अंदर जो पानी इसके थ्रू होके जो आया है वो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी वो आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर के इक्वल आ जाएगी सो so, इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी पाई इसकी रेडियस क्या है पाइप की स्मॉल आर तो स्मॉल आर इसकी हाइट हमें नहीं पता कितनी है मतलब ये लेंथ टी टाइम में हमें नहीं पता भाई कितनी लेंथ इसने कवर कर ली सो so, इसकी हाइट को हमने ले लिया एच वो किसके इक्वल आ जाएगा पाई इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर की फाइव का स्केयर इनटू में इसकी हाइट कितनी है टू मीटर सो so, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और ये रेडियस कितनी है ये रेडियस है पॉइंट वन पॉइंट वन इंटू में पॉइंट वन इंटू में हाइट हमें नहीं पता कितनी है इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू में टू यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी टेन इंटू में टेन मतलब इसको पॉइंट वन को क्या लिख सकते हैं वन बाई टेन वन बाई टेन पॉइंट हटाने के लिए तो ये दोनों टेन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ गई फाइव थाउजेंड मीटर मतलब कि इस जो ये पानी आया था इसने पाँच हजार मीटर डिस्टेंस कवर कर ली अब हमें निकालना है टाइम टाइम के लिए क्या होता है स्पीड क्या आती है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉइन्टमेंट टाइम अब हमारे पास स्पीड कितनी है थ्री थाउजेंड मीटर पर आवर ये है थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर ली फाइव थाउजेंड मीटर ये आ गई फाइव फाइव थाउजेंड मीटर अपॉइंटमेंट टाइम हमने टी लिया था तो ये आ गया टी यहाँ से टी की वैल्यू पहले तो इन तीन जीरो को तीन जीरो से कैंसिल करवा दिया तो यहाँ ये टी साइड आ जाएगा और ये थ्री इसके अपॉन में सो टी की वैल्यू क्या आ गई फाइव बाई थ्री आर इसको अगर मिनट में चेंज करना होगा तो इसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे सो टाइम इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री इंटू में सिक्सटी ये आ गई हंड्रेड मिनट्स मतलब इस टैंक को फिल होने में सौ मिनट का समय लगा सो so, इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज होती है यहाँ पे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर थैंक यू वेरी मच